हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन की बर्फ़ी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने घी को गर्म करके उसमें बेसन डाल दिया है और बेसन को अच्छी तरीके से पकने तक मैंने भूना है। इसको अच्छे से भूनना है और उसके बाद आपको एक कढ़ाई में शक्कर और पानी डालना है और इसको मिक्स करके इससे बनानी है आपको चाशनी। जब चाशनी बनेगी ना, तो आपको ध्यान देना है कि चाशनी एक तार की हो, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना भुना हुआ बेसन और बेसन और चाशनी को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, ज़रूरत के हिसाब से आप ऐड कर लो, ना ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत ही कम होना चाहिए। और दूध डालने के बाद बेसन को वापस से अच्छी तरीके से भूनना है, इतना भूनना है ताकि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा हो जाए। अगर बेसन थोड़ा सा भुन जाएगा अच्छी तरीके से, तो आपको एक थाली लेनी है या प्लेट, उसमें आप घी या बटर कुछ भी लगा देना ताकि आपको बेसन जो है उसमें चिपके ना, और इसको अच्छे से थाली में आप सेट कर देना। जब सेट हो जाए तो थोड़े से ना ड्राई फ्रूट्स कट कर लेना, उसमें आप पिस्ता, बादाम, काजू कुछ भी कट कर लो और इसको अच्छे से बेसन के ऊपर आप डाल दो। इससे क्या होगा, आपका ये बेसन की बर्फी और भी टेस्टी बन जाएगी। और डालने के बाद आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जब ठंडा हो जाए तो आप इसके छोटे छोटे स्क्वायर शेप्स कट कर लेना, ठीक है। स्क्वायर शेप्स कट करने के बाद आप इसको सभी को खिलाओ एक एक स्क्वायर शेप कट करके, और मुझे बताना कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।